कन्या राशि 2022 फरवरी कैसा जाएगा। तो कन्या राशि के जातक जितने भी हैं, चंद्र राशि से यानी कि हॉरोस्कोप के हिसाब से जिनकी कन्या राशि प्रेडिक्शन, उनके लिए प्लीज इसको आप सन साइन से कंफ्यूज मत कीजिएगा। तो कन्या राशि वाले जातकों के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि कुछ ऐसा योग बन रहा है कि इस महीने कोई ना कोई मूर्खतापूर्ण निर्णय आप लें और आपको हानि हो, चाहे वो जॉब का क्षेत्र हो चाहे बिजनेस का क्षेत्र हो। कोई अलग सा आइडिया आपके दिमाग में आएगा, कुछ अलग सा ही सोच आपके दिमाग में आएगी जिसकी वजह से आप बड़ा ही अजीब बिहेव करेंगे, किसी की सुनेंगे नहीं, सब आपको रोक रहे होंगे ये कार्य ठीक नहीं रहेगा, आप वो कार्य करेंगे और करने के बाद बहुत बहुत हानि उठाएंगे। तो मेरी आपसे राय ये है कि आप अपने हृदय की इस महीने ज्यादा ना सुने, आप अपने आसपास के जो विजडम वाले लोग हैं, जो समझदार हैं, जो आपसे ज्यादा ज्ञानी हैं, उनसे बात करें, उनसे पूछें क्या ये कार्य मुझे करना चाहिए, और अधिकतर आपको आंसर ना ही आएगा। आपने दूसरों की सोच के हिसाब से ज्यादा चलना है। दूसरे कौन? आपके दोस्त नहीं, आपके माता पिता, आपकी धर्मपत्नी, आपके हस्बैंड या आपके ब्रदर, जिनकी आपसे लॉ लगी हुई है ज्यादा, जो आपके लिए अहित सोचेंगे ही नहीं, ऐसे व्यक्तियों से पूछना है, ठीक है? क्योंकि किसी और के माइंड स्वे करने की वजह से हो सकता है कोई बहुत ही मूर्खतापूर्ण निर्णय लें और बाद में हानि उठाए। हम उस हानि को रोकना चाहते हैं, उस हानि के बहुत बहुत चांसेस हैं। आपको दिन रात नजर आएगी और रात दिन, इतना समझ लीजिए। आपको सुख दुख नजर आएगा, दुख सुख नजर आएगा। आपको संघर्ष सक्सेस नजर आएगा, सक्सेस वाला रास्ता संघर्ष नजर आएगा। तो सब कुछ आपके लिए उल्टा पुल्टा है। तो प्लीज जो आपको सबसे ज्यादा समझा रहा है, रोक रहा है, उसकी बात सुन लीजिएगा। चांसेस तो नहीं है पर प्लीज सुन लीजिएगा ताकि कोई भी बेवकूफी आपसे ना हो। गृहस्थ आश्रम में जो कन्या राशि के लोग हैं, प्लीज लड़ाई झगड़े से दूर रहें। मानसिक संताप के कारण आप अपने स्पाउस के साथ अनुचित व्यवहार कर सकते हैं, उसे गलत समझ सकते हैं, कोई मूर्खतापूर्ण हरकत कर सकते हैं जिससे आप लोगों के डिफरेंसेस और बढ़ जाएं। कपल्स में भी सेम एडवाइस है। तो प्लीज आपने समझना है कि सिर्फ 28 डेज की बात है, कि फरवरी में तो 2 दिन वैसे भी कम हो गए, तो 28 दिन थोड़ा सा संयम बना के रखना है, थोड़ा सा सब्र रखना है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है, क्योंकि वही एकमात्र एक ऐसा वर्च्यू है जो इस महीने आपको सबसे ज्यादा लाभदायी होगा। कोई ऐसा मैजिक वंड नहीं है कि मैं इसे घुमाऊं, आपको उपाय दूं और आपकी प्रवृत्ति बदल जाए। आपकी प्रवृत्ति मूर्ख बनने की आप ही चेंज कर सकते हैं। कैसे? होश के केंद्र में, ज्ञान के केंद्र में रहकर। इसलिए प्रभु की आराधना रोज कीजिए, जोत जगाइए। जब हम जोत जगाते हैं तो न सिर्फ बाहर एक जोत जगती है, हमारे भीतर भी एक जोत जगती है जो अंधकार को मिटाती है। अंधकार को मिटाने का द्योतक है ये जोत जगाना। भीतर अज्ञान रूपी अंधकार हटता है और बाहर प्रभु के सामने ज्योत एक साक्षी के रूप में होता है, अग्नि जी की एक साक्षी, माता रानी ज्योति स्वरूपिणी है एक साक्षी के तौर पे, कि हम जो पूजा कर रहे हैं उसके साक्षी ये ज्योत है, हमने ये पूजा परफॉर्म करी। इसका मतलब ये नहीं कि अगर हम ज्योत नहीं जगाएंगे तो पूजा एक्सेप्ट नहीं होगी, सब हो जाएगी। एक रिचुअल है, हमें भी अच्छा लगता है ना हम कुछ स्पेशल करें। जैसे आपका कोई प्रियजन है, आप जब उसके पास जाते हैं, कभी गिफ्ट लेके जाते हैं, कभी उसको गाना गा के सुना देते हैं, कभी कोई डेडिकेशन देते हैं ना, अच्छा लगता है। तो ये हमारे भाव है ज्योत जगाने। पर इसका चिन्ह ये भी है कि अंधकार को दूर करना, चाहे वो हृदय रूपी अज्ञान अंधकार को दूर करना हो या बाहर के अंधकार को दूर करना हो, हमारे जीवन में जो अंधकार आ जाता है उसको दूर करना हो, ठीक है? तो ये जरूर कीजिए, आराधना बढ़ाइए, सूर्य को जल दीजिए रोज, और साथ ही कुत्तों को भोजन कराना मत भूलिए। जो हमारे स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनको भोजन की उपलब्धि करवाइए, और नॉनवेज नहीं देना है। नॉनवेज के अलावा आप कुछ भी दे सकते हैं, प्लीज डोंट प्रोवाइड देम विद मीट एंड एग्स। मैं जो भी आपको उपाय खंड देती हूँ वो सब सात्विक होते हैं। मैं बार बार कहती हूँ, मैं कभी भी नॉनवेज को प्रमोट नहीं करती, क्योंकि नॉनवेज सनातन धर्म प्रमोट नहीं करता। मैं आज एक और बात इसमें जोर देना चाहती हूँ, हालांकि हम एक प्रेडिक्शन कर रहे हैं, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि कई लोग ये कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने भी नॉनवेज खाया था, सरासर मिथ्या है। श्री रामचंद्र जी मृगा के लिए जब क्षत्रिय उस जमाने में जाते थे, शिकार जो होते थे हिरण या किसी को मारना, क्योंकि वो योद्धा हैं, उनको प्रैक्टिस के लिए ये करना होता था। कुछ ही पशु हैं जिनको वो मार सकते थे। आप ये मत समझिए कि वो खाते थे उसको, खाते नहीं थे। वो यज्ञ जब होता था तो उसके बाद उस पशु की जीवात्मा की मंगल कामना करते थे, जिससे वो उच्च गतियों को जाए, कि हमने अपने प्रैक्टिस के लिए ये चीज करी, कल को युद्ध होगा, हमने अपने देश को बचाना है तो हम कैसे करेंगे, इंसानों को तो मारेंगे नहीं, तो हमने ये किया। फिर यज्ञ करते थे कि पशु हमसे ये मरे हैं, इनकी जीवात्मा के उत्थान के लिए हम ये कर रहे हैं। अब आज के जमाने में तो वो है नहीं तीर कमान वाले युद्ध, अब तो गन्स आ गई, सब कुछ आ गया, आगे बोर्ड लगा के हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। जो फौजी होते हैं उसके लिए किसी को मारने की जरूरत तो है नहीं। और साथ ही
जो रामचंद्र जी थे जब वो वनवास के लिए गए थे तो कैकेयी माता ने उनसे यही वर मांगा था कि आपने ऋषि वृत्ति फॉलो करनी है। वो कंद मूल और फल खाते थे, वो तो प्रॉपर खाना भी नहीं खाते थे। पता नहीं कुछ लोगों को ये गलतफहमी कैसे है कि वो वहां पे नॉनवेज खाते थे, वो नॉनवेज नहीं खाते थे, वो सिर्फ कंद मूल और फल खाते थे और कुछ भी नहीं खाया उन्होंने 14 बरस। वो तो और कठिन तपस्या करी थी उन्होंने, ऋषि वृत्ति फॉलो करी थी। और इसके लिए मैं ये कहती हूँ कि कभी भी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास ना करें। आप सभी के पास रामचरितमानस उपलब्ध है, तुलसीदास जी की मंगवाइए और पढ़िए, आपको समझ में आएगा असलियत क्या है। ठीक है, तो नॉनवेज को हमारे किसी भी भगवान ने प्रमोट नहीं किया, उसके पीछे बहुत गूढ़ रहस्य होते हैं जिनको अनलॉक करना होता है, किसी विद्वान के पास जाके समझना होता है। इसलिए अपनी जिव्या की तृप्ति के लिए शास्त्रों के वचनों का प्लीज इस्तेमाल न करें कोई भी। अब हम वापस प्रेडिक्शन पे आते हैं और कहते हैं कि कन्या राशि वालों को कोई भी मूर्खता नहीं करनी और इसलिए तामसी पदार्थ छोड़ने चाहिए, यानी कि अंडा नॉनवेज वगैरह। क्यों मैं ये बोलती हूँ, मूर्खता तामसीय स्वभाव है। ठीक है, होश ज्ञान सात्विक स्वभाव है, मूर्खता तामसी स्वभाव है, गीता में वर्णित है, आप भगवत गीता में पढ़ सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं। जब एक तामसी स्वभाव ऑलरेडी आपने बढ़ा हुआ है और उसमें आप दोबारा तामसी पदार्थों का सेवन करेंगे तो वो और प्रबल हो जाएगा स्वभाव, और ज्यादा मूर्खतापूर्ण हरकतें करने के योग बनते चले जाएंगे। इसीलिए उसे काटने के लिए अंदर सात्विक पदार्थ डालिए, ठीक है, ताकि वो युद्ध करे उस तामसी स्वभाव से और उस तामसी स्वभाव को हराए, आपको बचाए। ठीक, अब हम आ जाते हैं रोगों के लिए। तो रोग आपको हो सकते हैं अनुचित खाने की वजह से, जिद करके, नहीं मुझे यही खाना है, मुझे वही पीना है, जबरदस्ती खुद को खुद ही हानि देने वाली पदार्थ खाएंगे और बीमार हो सकते हैं। तो अपना स्वयं ध्यान रखिए, ढंग का खाना खाइए और उग्र पदार्थ का सेवन न करें। साथ ही अब लकी कलर लकी नंबर पे आ जाते हैं। तो लकी नंबर आपके लिए निकल कर आ रहा है 5 और 9 और लकी कलर आपके लिए निकल कर आ रहा है डार्क ब्लू एंड येलो। और ये दोनों ही कलर हमें भोलेनाथ और कृष्ण जी के शिव विग्रह में मिलते हैं। उनकी आराधना बढ़ा दीजिए, उनकी कथाओं का पठन पाठन कीजिए और अपने इस महीने को विवेक से पूर्ण होके ज्ञान के केंद्र में रहकर प्रभु की कथाओं का रोज पाठ करते हुए सावधानी पूर्वक बिता दीजिए। धन्यवाद।